दोस्तों अली गोनी ने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जासमीन वसीम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो भी बहुत शानदार तरीके से। बिग बॉस के बाद आए इस बर्थडे पर अली गोनी को दुनिया भर से इतना प्यार मिला है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फैंस बिग बॉस से बाहर आने के बाद अली गोनी को इतना ज्यादा प्यार देंगे। हालांकि अली गोनी को उनके बर्थडे पर उनकी फैमिली की तरफ से, उनके फैंस की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अली गोनी के लिए बेस्ट गिफ्ट क्या है? जी हां दोस्तों, अली गोनी ने खुद बताया है कि अपने इस बर्थडे पर उन्हें सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला। हम जानते हैं कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि अली गोनी किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि जब अली गोनी से इस बारे में पूछा गया कि इस बर्थडे पर आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला, तो क्या आप जानते हैं कि अली गोनी ने क्या जवाब दिया? जी हां दोस्तों, अली गोनी ने कहा कि इस बर्थडे पर जो सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे मिला है वो है जासमीन वसीम। अली गोनी के बर्थडे पर उनके फैंस जानना चाहते थे कि अली गोनी ने किस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम अपनी हर रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं अली गोनी की पल पल की जानकारी कि उन्होंने पूरे दिन अपने बर्थडे पर क्या क्या किया। आपको बता दें कि लास्ट नाइट अपनी फैमिली और जासमीन के साथ अपना बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया है अली गोनी ने। जब अली गोनी से पूछा गया कि उन्हें इस साल का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट क्या मिला, तो इसके जवाब में अली गोनी ने कहा कि साल का सबसे बेस्ट गिफ्ट जो था वो मेरे लिए है जासमीन वसीम। यानी कि जासमीन को अपना सबसे खूबसूरत तोहफा मानते हैं अली गोनी। अली गोनी की लाइफ में जब से जासमीन वसीम आई है तब से उनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। बॉस 14 में जाने के बाद अली गोनी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। हर कोई उन्हें नए नजरिए से देख रहा है क्योंकि बाहर आने के बाद अली गोनी को उनके फैंस की तरफ से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। अब जब इस वक्त वो कश्मीर में है अपनी फैमिली के साथ और जासमीन भी उनके साथ में है, तो हम जानते हैं कि आप उनकी पल पल की अपडेट जानना चाहते हैं कि अब अली गोनी क्या कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को फॉलो करिए, हम आपको जासमीन और अली से जुड़ी छोटी छोटी अपडेट्स भी देते रहेंगे।